happy to be here. It's a wonderful evening, and everybody's going to be looking very good and very stylish and very suave and very well turned out. So I'm happy to be here to attend this wonderful award function, and yeah. Hi. Yeah, of course, I think आप जो भी काम करते हैं उसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और आपके पास मौका होता है हर चीज़ पर काम करने का, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का. आई थिंक दिस जॉब प्रोवाइड्स यू मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले मैनी डिफरेंट पीपल, लुक वेरी वेरी डिफरेंट, डिस्कवर डिफरेंट साइड्स ऑफ योर सेल्फ, डेल्व इन साइड टू अंडरस्टैंड हु यू आर, क्रिएट डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंसिस फॉर द ऑडियंस. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब एंड आई फील प्रिविलेज to be getting to do movies, and yeah, so I think every aspect of filmmaking is extremely important and extremely exciting, and I enjoy thinking about it, creating so many different facets, and yeah, I love it. Gee. देखिए, संतुष्टि तो पूरी कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा कुछ बेहतर करने की अंदर तमन्ना रहनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो आपने काम किया है उसकी यादें आपके साथ जुड़ जाती हैं, और जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो वो यादें और वो एक्सपीरियंसेस आपका हिस्सा बन जाते हैं, और आई थिंक दैट्स वाई द मोर वर्क यू डू आई थिंक द बेटर यू कैन बिकम, यू लर्न मोर, वेदर इट इज़ अबाउट ब्यूटी और इट इज़ अबाउट टैलेंट. आई थिंक देर इज़ अ लॉट टू लर्न. And I feel very fortunate कि मुझे 15-16 साल हो गए हैं, मैं अब भी काम कर रहा हूँ, लोग मेरे काम को अभी पसंद कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है, और शायद मैंने 15-16 सालों में काफ़ी कम अचीव किया है और बहुत कुछ करना चाहिए था. तो अब जो भी साल बचे हैं उसमें बहुत सारा कुछ करना है क्योंकि वक्त कम है, और विद एवरी ईयर यू ग्रो ओल्डर एंड देयर यंगर पीपल, मोर एक्साइटिंग टैलेंटेड पीपल हू कम अलॉन्ग, यू लर्न फ्रॉम देम. But as far as you're getting opportunities to act, as far as people are interested in you, you know, you have to enjoy it and give it your best. आप कबीर सिंह की बात कर रहे हैं. मेरे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, लेकिन ज़रूर लेकिन डेफिनेटली आई थिंक मौके शायद बेहतर मिलेंगे, लोग शायद थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पर जब आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा चलती है तो सडनली बहुत सारे लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, नहीं तो कभी कभी आपको इंटरेस्ट मांगना पड़ता है कि यार मैं भी अच्छा हूँ, मुझे भी देख लो. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जो प्रोसेस है मेरे काम की वो पिछले 8-10 साल से अच्छी रही है, और कबीर सिंह भी उसी प्रोसेस का नतीजा है, तो शायद कुछ सही किया, कुछ गलत किया, तो और बेहतर करने की कोशिश करूँगा. मेरी सिर्फ यही तमन्ना है कि मैं जो भी अगली फिल्म करूँ वो पैसे कितने भी कमाए लेकिन लोगों को फिल्म अच्छी लगे, दैट वी पुट अ गुड फिल्म टुगेदर, बिकॉज आई रियली फील दैट देर इज़ अ नीड फॉर मी टू रिटर्न द लव दैट आई हैव रिसीव्ड. आई वॉन्ट टू बी एबल टू गिव पीपल एन एक्सपीरियंस वर्थ वॉचिंग. देखिए, संभावना पे तो पूरा जीवन चलता है, एंड होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So you should always hope for the best and prepare for the worst. That's how I usually live my life. Sir, rumors. आपने बोल दिया, अच्छा हुआ. तो जब वो rumor जो है, जो जब भी कुछ clear होगा कि मैं अगली film कौन सी कर रहा हूँ, तो मैं एक formal announcement करूँगा. तब तक मैं खुद rumors पढ़ते रहूँगा कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ जो मुझे ही नहीं पता है. यस, आई थिंक हमारी कोई औकात नहीं है बच्चन साहब के बारे में कुछ कहने की, हम सिर्फ उनको देख के उनसे सीख सकते हैं, और ही इज डिजर्विंग ऑफ एवरी ऑनर इन दिस कंट्री. सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और मिस्टर बच्चन एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है, तो जितना आई थिंक उनको अवार्ड दे के
उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उतना ही जब वो किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हैं किसी भी अवार्ड फंक्शन को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है. सो आई थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड एनी ऑनर इज़ लेस फॉर हिम. विशिंग हिम मेनी मोर ईयर्स ऑफ द अमेजिंग एनर्जी दैट ही हैज़, विशिंग हिम मेनी मोर ईयर्स ऑफ ट्रमेंडस वर्क एंड होप टू लर्न फ्रॉम हिम द वे वी हैव फॉर द लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी डेकेड्स. For whom? Wishing Mr. Bachchan a very, very, very happy birthday, sir. We are all somewhere here because of the inspiration that we've drawn from you. Whether it's in the workspace or it is personally the way you have conducted yourself, you are somebody we all cherish dearly. So wish you a wonderful many, many, many more years ahead. One last question. Thank you, sir.